चतरा शहर के जितनी मोड़ में दिल्ली पब्लिक स्कूल का उद्घाटन। शहर के जितनी मोड़ में बुधवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। स्कूल का उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसडीपीओ अविनाश कुमार व विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मॉडल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर रामानंद पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली पब्लिक स्कूल के सचिव लाला प्रसाद साहू ने की। स्कूल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एसडीपीओ ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। चतरा जैसे जगह पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने स्कूल संचालकों से स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने की अपील करते हुए कहा कि विद्यालय में बच्चों को ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराएं जिससे न सिर्फ उनका जीवन सफल हो सके बल्कि वह समाज में आदर्श नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सकें। स्कूल के उद्घाटन के मौके पर शहर के काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। बहुत ही खुशी की बात है कि चतरा जैसे शहर में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर लोग प्रयासरत हैं। शिक्षा के बारे में बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने पहले से जमाने से ही वैदिक काल से ही शिक्षा को प्राथमिकता में रखा है। अभी प्राचार्य महोदय ने बहुत ही विस्तार पूर्वक शिक्षा को बता रहे थे, इसके विभिन्न आयामों को बता रहे थे। शिक्षा का जो शुरुआत है, जब हम लोग मनुष्य जाति से आते हैं और मनुष्य जाति में जो प्रमाण मिलते हैं शिक्षा के, वह है वैदिक युग से 5000 से लेकर 20000 ईस्वी पूर्व तक, 2000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है। और वहाँ पर कमोबेश यही स्थिति हुआ करती थी कि हम लोग बच्चों में 5 साल, 3.5 साल, कहीं 4 साल स्टार्टिंग जो एज होता है वहाँ 5 साल का एज था। संस्कार हम लोग करते थे, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में सब शिक्षा को शुरुआत कर रहे हैं, आपको जो पढ़ाई लिखाई शुरुआत करना है वहाँ संस्कार से जोड़ते थे लोग। विभिन्न जगह जगह पे आश्रम की व्यवस्था थी, आश्रम में जाके शिक्षा का ग्रहण करना होता था। उसमें लिखित कुछ होता नहीं था, उसमें सारे मौखिक होते थे। मतलब शिक्षा का प्रसार अगर हम आपको बता रहे हैं तो आप फिर आगे बताएंगे, दूसरे को बताएंगे, तीसरे को बताएंगे। पूरे जीवन चक्र को 4 कालों में विभक्त किया गया था। उसमें से जो हमारा शिक्षा लेना है उसमें गृहस्थ आश्रम में आना है, संन्यास आश्रम में है और वानप्रस्थ है। तो एक एक एज का सबका बटा हुआ था कि 25 साल तक इसमें रहना है, 25 से 40 इसमें, 40 से फिर आगे और फिर अंतिम में वानप्रस्थ को प्रस्थान करना है। हम लोग भी वैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं। अभी नर्सरी LKG से स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल डिग्री लेते हैं, ये सब पढ़ाई का पार्ट होता है। फिर गृहस्थ आश्रम में आते हैं, गृहस्थ आश्रम के बाद फिर हम लोग जॉब वॉब जो करते हैं अपना, उसमें फिर आफ्टर रिटायरमेंट का एज जीते हैं। तो अभी तो हम लोगों के पास बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले तो ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं थी। सोचिए कैसे शिक्षा ग्रहण करते होंगे और शिक्षा देने वाले कितने महान होंगे। गुरुकुल की परंपरा चली आ रही थी उसमें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ये सारी शिक्षाएँ होती थी। फिर धीरे धीरे शिक्षा का स्वरूप बदलता चला गया, विभिन्न काल में अलग अलग जगह शिक्षा की अलग अलग नीति आई, विज्ञान आया, खगोल वगैरह भी सारी जो शिक्षाएं होती वो सारी भी शिक्षा हम लोगों ने, भारत वर्ष जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु रहा है। अब बहुत दूर नहीं जाएंगे, यहाँ आप राजगीर जाएं, विक्रमशिला जो नालंदा खंडार है वहाँ जाके देखें, कई सारे चीनी आकर के यहाँ से शिक्षा लेके गए हैं। और हम जब पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस जमाने में भी इतना हमारा विकसित शिक्षा हुआ करता था, इतनी विकसित हमारी शिक्षा प्रणाली थी कि विदेश से लोग आके यहाँ पढ़ के जाते थे। तो आज का जो युग है, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, और इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम लोग क्वालिटी की बात ना करें तो सरासर यह अन्याय होगा। क्वांटिटी और क्वालिटी, मैं डायरेक्टर और यहाँ के जितने भी शिक्षाविद जुड़े हुए हैं इस संस्थान से, उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि चतरा में आप क्वालिटी एजुकेशन को प्रायोरिटी दें, क्वालिटी फोकस करें, और जो शिक्षा हमारे आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए कारगर हो, जो कार्य उसको मदद करे, जो काम उसे मदद करे, वैसे शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। नई शिक्षा प्रणाली भी अब लागू हो ही जाएगी अगले साल से। मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे शिक्षा शास्त्री लगातार इस शोध में लगे रहते हैं कि हमारा सिलेबस का पैटर्न कैसा हो, शिक्षा की पद्धति कैसी हो, शिक्षा रोजगारोन्मुख शिक्षा हो,
या शिक्षा हमें कैसी देना है ताकि भविष्य में उस व्यक्ति को काम आ सके। और हमें पता नहीं आप लोग सभी ध्यान देते हैं कि नहीं, सिलेबस भी हम लोग वैसे डिजाइन करते हैं, लोग डिजाइन करके आपको देते हैं, वैसे ही क्लासेस अरेंज करते हैं। अब जब पहले क्लास में आप आते हैं, पहले पीरियड दूसरे पीरियड में आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बच्चों का जो ब्रेन है वो बहुत खुला हुआ होता है सुबह सुबह में, तो उसे विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, उसे मैथ्स की शिक्षा दी जाती है, उसे टफ जो सब्जेक्ट होता है वह शुरू वाले हाफ में पढ़ाया जाता है। कभी सोचिएगा इन सारी चीज़ों को। फिर जैसे जैसे आप सिक्स पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड में जाते हैं, तो थोड़ा धीरे 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 क्या लोड कम किया जाता है बच्चों का, कि अब खेल कूद कराओ, इसे इसे चित्रकला कराओ, इसे इसे गाना बजाना कराओ, इसे। तो ये सारे हमारे जो शिक्षा शास्त्री लोग होते हैं वो सारा डिजाइन करते हैं, सारा कोर्स को, सिलेबस को डिजाइन करते हैं, सारा पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम और आप उसे लागू करवाते हैं, हम उसे पढ़ाने का कार्य करते हैं, हम उसे बताने का कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी प्रमुखता से लोगों ने बताया है, प्रमुखता से लोगों ने उसे कार्यान्वित करने के लिए बताया, हमें उसे कार्यान्वित कराना है, हमें उसे लागू कराना है, हमें उसे पढ़ाना, यही हमारे जो शिक्षा ले करके हम दूसरे को दे रहे हैं, यही हमारे लिए है, यही हमारा मेन मोटो है। पूर्व के काल से भी आपको पता है ऋण जो हमारे हैं, चार प्रकार के ऋण हैं, माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, देव का ऋण, और चौथा ऋण होता है समाज का ऋण। मैं पुलिस पदाधिकारी होते हुए भी प्रयास करता हूँ, चूंकि मैं शुरू से एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ, पढ़ने लिखने में मुझे बड़ा आनंद आता था, आज भी आता है, नया कुछ सीखते रहता हूँ। तो मुझे लगता है जो चार ऋण हमारे पास हैं, वह ऋण को हमें समाज में वापस करना, माता पिता, गुरु, देव और समाज का ऋण है। तो ये सब ऋण अगर हर एक व्यक्ति, हर एक जो समाज के व्यक्ति हैं, अगर हर लोग अपनी अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का बोध, अगर ज्ञान उसे आ जाए, तो हमारे समाज को स्वस्थ होने में कभी देर नहीं होगा। समाज हमारा जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा समाज होता है। हम तो आज विद्यालय के उद्घाटन में आए हैं, विद्यालय के शुरुआत में आए, मंदिर, मस्जिद, विद्यालय, ये सभी पुण्य के कार्य होते हैं। आप यहाँ उपस्थित हैं, अपनी महती से समय दिए हैं यहाँ, यही बहुत बड़ी बात है कि आप विद्यालय के उद्घाटन में आए हैं, एक नेक कार्य में आप आए हैं। और इस नेक कार्य में हम लोग सभी यहाँ मिलकर संकल्प करेंगे कि चतरा जैसे जगह को हम लोग जो शिक्षा का, जो एजुकेशन का स्तर है, वो बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जाएंगे। हमारे यहाँ से लोग शीर्ष स्थान पे पहुंचे, बोला भी जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप, टॉप पे हमेशा खाली होता है। आप लोगों को अच्छे से एजुकेशन देके सपना दिखाएं, लोगों को शीर्ष फलक तक जाने के लिए आप उसे बताएं, लोगों को उस तरह का मोटिवेट करें। निसंदेह आज जो आप बीज बो रहे हैं, आने वाले समय में विशाल वरगद का रूप वो लेगा, और हम सभी उस जो पेड़ होगा उसके जो फल होंगे और उसके जो छाया होंगे, उसे हम सभी उससे आधारित रहेंगे। हम लोग सभी उससे महसूस करेंगे कि आज जो बीज हमने बोया है, कल वो कितना बड़ा बरगद पेड़ होगा और हम लोग कितना उससे हमें फायदा पहुंचाएगा।